नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में ये देखेंगे कि आजकल बदलते दौर में आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। वहीं जहां ऑनलाइन की दुनिया, ऑनलाइन पे हर समस्या आपका समाधान, हर एक कोर्ट यहाँ तक पेंशन पोर्टल, जीवन प्रमाण पत्र और सब ये सब ऑनलाइन होते जा रहे हैं। और यहीं ऑनलाइन होने का नतीजा स्पर्श के साथ जुड़ना और स्पर्श के साथ ECHS कार्ड का ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना और इसी प्रकार अगले क्रम में CHD स्मार्ट कार्ड का नंबर आता है। ऐसे ही दोस्तों, एक ऐसी न्यूज अभी हाल ही में निकल के आई है जो आर्मी हेडक्वार्टर का बहुत ही सराहना कदम रखा गया है और बहुत ही ऐसे कदम की सराहना की जा रही है जो ESM जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके कार्ड जो हर साल रिन्यू कराए जाते थे, लेकिन अब से वो 1 जनवरी 2023 से कोई रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक लेटर जो 21 सितंबर 2022 का ही जारी है। यही हाल ही में इस प्रकार का कदम उठाया गया है जो आपके सामने है, डिसकंटिन्यूड ऑफ एनुअल रिन्यूअल ऑफ CHD स्मार्ट कार्ड। इस प्रकार से एनुअल रिन्यूअल जो CHD स्मार्ट कार्ड का हर साल करना था, जो अब से आने वाले समय में आपको ये रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा। जो पिछले साल यह आदेश जारी किया गया था कि आपको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा, लेकिन जीवन प्रमाण पत्र के ऑनलाइन होने से और वहीं पे स्पर्श पोर्टल के आ जाने से सबका एक जगह, पूरे पेंशनरों का डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाने से ECHS कार्ड हो चाहे अपना CHD स्मार्ट कार्ड हो, दोनों में अच्छी पहल देखने को मिली है, जो कि आपको रिन्यूअल कराने वाला जो झंझट था वो ख़त्म हो गया है। इस प्रकार से इसको देखेंगे तो ये 1 जनवरी 2023 से ये सुविधा आपको लागू हो जाएगी और PCDA स्पर्श के माध्यम से ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जो हमेशा हर साल जो आपका रिन्यूअल कराना पड़ता था, जो आप URC में खड़े होकर और अपना PPO और पेंशन स्लिप देते थे जिससे वो हर साल रिन्यू होता था, वहीं जो ESM और वीर नारी और सिविलियन पर्सन ये परेशान हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, ये खुशखबरी ऐसी निकल के आई जो आने वाले समय में हमेशा ही ये जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ने पे सब ऑनलाइन हो गया है। वहीं पे दोस्तों देखना होगा कि द फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड बाई URC। इसमें ऑन अल्टीमेशन ऑफ डिमाइस ऑफ ESM अब्लिक बेनिफिशरी द विडो अब्लिक NOK शैल बी एडवाइज टू अप्लाई फॉर विडो अब्लिक NOK ESM CHD स्मार्ट कार्ड। इसके लिए इस एडवाइज किया जा रहा है कि अप्लाई फॉर विडो NOK ESM को न्यू CHD कार्ड के लिए आप अप्लाई करें और इसके लिए आपको जब तक आप नया इस वीडियो और NOK का नया स्मार्ट कार्ड नहीं बन जाता तब तक आपका पुराना ही कंटिन्यू चलता रहेगा और ये लेटर आने के बाद आपको नए स्मार्ट कार्ड के रूप में नए CID स्मार्ट कार्ड को आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपको बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी खुशखबरी ऑनलाइन होने पे सब सुविधाओं का एक जगह एकीकरण हो चुका है, जो हमारे लिए खुशी की बात है कि जो बार बार आप ECHS कार्ड या कंटिन स्मार्ट कार्ड हर साल जो आप रिन्यूअल कराते थे, ये रिन्यूअल का भी झंझट खत्म हो गया है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।